हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल हैकर ज्ञान। आज हम बात करने वाले हैं आपके प्रोटेक्शन के बारे में, आपके सिक्योरिटी के बारे में। जो आप कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं वो क्या इंटरनेट से जुड़ा हुआ है? अगर जुड़ा है तो क्या वो सिक्योर है? आपका जो भी उसमें पर्सनल डेटा सिक्योर है, इंटरनेट नेट बैंकिंग यूज़ करते हैं क्या वो सिक्योर है? तो इस पर हम सबसे पहले बात करेंगे। सबसे पहला जो मेरा टिप्स रहेगा वो रहेगा फायरवॉल पे। फायरवॉल एक ऐसा सिक्योरिटी प्रोसेस है जिसमें आपका हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों का रोल होता है। तो जैसे मैं कह सकता हूँ कि अगर आप इंटरनेट पे बैंकिंग करते हैं तो इसमें आपका इंटरनेट बैंकिंग में आपका जो भी प्राइवेसी है, पर्सनल डिटेल्स है, अकाउंट नंबर है, सारा चीज़ जो होता है वो इंटरनेट पे होता है, मगर वो आपको क्लियर नहीं होता है और वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में होता है। तो फायरवॉल का काम होता है वो आपको प्रोटेक्ट रखता है इंटरनेट पे हर पर्सनल चीज़ में। तो स्टेप और टिप्स है वो है इंस्टॉल एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर बहुत ज़रूरी है आपके सिस्टम के लिए। यह बात सही है कि एंटीवायरस को इंस्टॉल करने से आपका सिस्टम स्लो हो जाता है, लैग करता है, ये बात सही है, लेकिन ये आपका इंस्टॉल करना ज़रूरी है। अब उसका भी तरीका है, अगर आप फ्री या थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं और वो पेड नहीं है, अगर पेड नहीं है तो वो ज़रूर आपके साथ हार्म पहुँचाएगा आपको, क्योंकि वो कंपनी इस तरीके से चलती है जैसे वो आपका पर्सनल डाटा को यूज़ करके वो अपना बिजनेस कर रही है। तो उस कंडीशन में वो आपको फ्री सॉफ्टवेयर भी अवेलेबल कर सकती है, लेकिन अगर पेड सॉफ्टवेयर है तो वो आपका पर्सनल डाटा यूज़ नहीं करेगी और वो अपना जो भी पैसा होता है वो आपसे डायरेक्ट लेगी। तो वो पेड सॉफ्टवेयर जो भी होगा एंटीवायरस का वो बेहतर होगा, क्विक हील हुआ जो भी हुआ तो आप यूज़ कर सकते हैं। अभी ज़्यादातर का आता है पेड वर्ज़न भी आता है, तो आपको पेड वर्ज़न यूज़ करना चाहिए, फ्री वर्ज़न यूज़ नहीं करना चाहिए। तो हम आगे बढ़ते हैं। मेरा थर्ड होगा एंटी स्पाय पैकेज आपको यूज़ करना चाहिए। एंटी स्पाय पैकेज होता है जैसे कि अगर हम मान लीजिए कुछ ऐसा सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं जिसको कैमरा का ज़रूरत नहीं है, अगर हम मान लीजिए कॉलिंग का यूज़ कर रहे हैं फीचर्स, तो कॉलिंग केस में हमको कैमरा का ज़रूरत नहीं पड़ता है, नॉर्मल कॉल अगर यूज़ कर रहे हैं तो। अगर वो कैमरा का परमिशन लेके आपका कैमरा यूज़ कर रहा है तो स्पाय सॉफ्टवेयर ऐसा होता है जो आपको तुरंत इंडिकेट कर देगा आपका कैमरा यूज़ कर रहा है कॉलिंग, तो फिर आप इसमें तुरंत सावधान हो जाएंगे और वहाँ पे जाके आप टर्न ऑफ कर देंगे परमिशन को, परमिशन डिनाई कर देंगे तो फिर आपका वो यूज़ नहीं कर पाएगा। ज़्यादातर आप अपने फ़ोन में चेक करेंगे, बहुत ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसको आपके कॉन्टैक्ट का ज़रूरत नहीं होता है। अब जैसे आप फ़ोन क्लीन करने के लिए आता है बहुत सारा एंटीवायरस, तो वो आपका परमिशन ले लेता है, कॉल लॉग का ले लेता है, कॉन्टैक्ट का ले लेता है, जिसको वो ज़रूरत होता नहीं फिर भी ले लेता है। तो ये चीज़ गलत है, इस पर आपका एंटी स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर जो होता है वो इस पर नज़र रखेगा और आपको इंडिकेट करेगा कि ये चीज़ आपके साथ गलत हो रहा है, तो आप तुरंत उसको जाके रिपेयर कर सकते हैं, सुधार सकते हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। यूज़ कॉम्प्लेक्स पासवर्ड, ये जो है सबसे ज़रूरी और सबसे इम्पॉर्टेंट है। उसका रीज़न मैं बता दूँ, आजकल ज़्यादातर लोग ईजी पासवर्ड को यूज़ करते हैं। अभी भी एक सर्वे में मालूम हुआ है कि ज़्यादातर लोग 128 पासवर्ड यूज़ करते हैं, एप्पल यूज़ करते हैं, या अपने नाम के आगे 12345 लगा देते हैं, नाम से पहले 1245 लगा देते हैं। ये चीज़ गलत है, ये चीज़ कभी भी यूज़ नहीं करना चाहिए। कुछ लोग तो अपना फ़ोन नंबर भी पासवर्ड में डाल देते हैं, ये चीज़ तो और गलत है। अगर कोई अनलॉक करना चाहेगा आपका फेसबुक अकाउंट या कुछ भी, अगर आप पासवर्ड में अपना फ़ोन नंबर डाल रहे हैं तो वो आपका फ़ोन नंबर ऊपर यूज़र आईडी में भी डाल देगा, पासवर्ड में डालेगा, वो ऑन हो जाएगा, फिर आप कंप्लेन करेंगे कि मेरा आईडी हैक हो गया, ये चीज़ तो गलत है ना। तो इसीलिए आपको पासवर्ड हमेशा सिक्योर रखना चाहिए। और अगर आप इसी टाइप के भी टिप्स और इन्फॉर्मेशन को जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियोज़ को लाइक कीजिए। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। पासवर्ड का हो गया बात और पासवर्ड में सिंबल भी होना चाहिए। तो अब हम आगे बढ़ते हैं फिफ्थ नंबर पे, कीप योर ओएस ऐप अप टू डेट। हमेशा अपने सिस्टम को अप टू डेट रखिए, अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को अप टू डेट रखिए, ऐप्स को अप टू डेट रखिए। अब आप समझेंगे कि ये फालतू चीज़ें नेट मेरा यूज़ कर रहा है, तो बात ऐसा नहीं है। ये चीज़ सही है कि आपका नेट लगता है, ये चीज़ सही है कि आपका नेट लगता है, दिन का 1.5 GB या 2 GB जो भी नेट होता है वो आपका ज़्यादातर इसमें खर्च हो जाता है, तो इसीलिए लोग इसको टर्न ऑफ कर देते हैं या अपडेट नहीं करना चाहते हैं। लेकिन अपडेट करना चाहिए, उसका रीज़न मैं बता देता हूँ, ये बहुत ज़रूरी है। होता क्या है, अगर मान लीजिए आज कुछ ऐसा सॉफ्टवेयर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर बना जो आपको हार्म पहुँचा सकता है, ये सॉफ्टवेयर कल तक नहीं था, तो पुराना सिस्टम था तो उस टाइम में आप कल तक नहीं था तो आप पे कोई दिक्कत नहीं। आज वो सॉफ्टवेयर बन गया है, अब मान लीजिए अगर वो सॉफ्टवेयर बन गया है तो उससे बचने का भी तो तरीका आज बनना चाहिए। तो ये चीज़ रोज़ ऐसा होता है कि हैकर लोग रोज़ कुछ ना कुछ अपना जुगाड़ लगाते हैं, और ये आपको सॉफ्टवेयर डेवलपर आपको बचाने के लिए रोज़ कुछ ना कुछ उसमें जुगाड़ लगा के आपको बचाने का कोशिश करते हैं।
तो ये जो डेली डे बाय डे हैक होता है फिर प्रोटेक्शन होता है, तो इस चीज़ को कंटिन्यू रखने के लिए आपको हमेशा अपने सिस्टम को अपडेट रखना चाहिए, तो आप इससे बच सकते हैं। अगर मान लीजिए आपका सिस्टम 6 महीना या 1 साल पुराना है अपडेट, इधर से आप अपडेट नहीं किए हैं, अब 1 साल के बीच में जितना भी आपका सॉफ्टवेयर बना है आपको हैक करने के लिए या आपको ट्रैक करने के लिए जो भी चीज़, आप इस चीज़ से नहीं बच सकते हैं, क्योंकि आपके फ़ोन को नहीं पता कि कैसे बचना है, आपके फ़ोन को नहीं पता कि आपके साथ कुछ हो रहा है, गलत चीज़ हो रहा है, तो ये चीज़ आपके फ़ोन को नहीं पता, इसीलिए इसको अपडेट रखना बहुत ज़रूरी होता है। अब हम बात करेंगे इग्नोर स्पैम। ये चीज़ होता है मतलब कि आपको ना बहुत सारा आपको ऐसा डेली फेक लिंक आता होगा कि आप इस पर क्लिक कीजिए या इतने लोगों को मैसेज कीजिए, तो ये चीज़ से आपको बचना चाहिए। ईमेल बहुत ज़्यादा आता है फेक ईमेल, तो इस चीज़ से बचना चाहिए। कभी कभी होता है आप लिंक पे क्लिक करते हैं और बोलता है आप अपने फेसबुक से लॉगिन कीजिए तो आपको इतना रुपया मिलेगा, या आप कार जीते हैं, तो इस चीज़ से आपको बचना चाहिए। और कभी भी भूल से कहीं पे आपको पासवर्ड नहीं देना चाहिए। बहुत सारे लोगों को मेल आता है कुछ कि आप जीत गए हैं, आप अपना फेसबुक अकाउंट इससे जोड़ के आप ओपन करके देखिए क्या है प्राइस, तो ये चीज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप वहाँ पे जैसे अपना यूज़र आईडी डालिएगा और पासवर्ड डालिएगा, पासवर्ड यूज़र आईडी डालते के साथ आप देखेंगे कि उसमें आपका की लॉगर लगा रहता है जो आपके डेटा को ब्लीच कर लेता है, और वो तुरंत हैकर के फ़ोन या सिस्टम पे तुरंत भेज देता है। तो अगर आप जानना चाहते हैं हैकिंग टिप्स के बारे में और कुछ, तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं काली मिक्स के बारे में, जो बेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है हैकिंग के लिए। मैं आई बटन में इसका लिंक दे दूंगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, बैकअप योर कंप्यूटर। अगर आप आईटी से जुड़े हैं, टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं, अगर आपके पास पर्सनल कंप्यूटर है उसमें बहुत सारा डेटा है, आप समझ सकते हैं कि डेटा कितना इंपॉर्टेंट होता है, तो हमेशा आपको अपने सिस्टम को बैकअप रखना चाहिए। आजकल तो बैकअप रखना बहुत इजी हो गया है, क्लाउड कंप्यूटिंग का ज़माना है, यहाँ पर अपने कुछ भी डेटा को ऑटोमेटिक अपने सर्वर पे इंस्टॉल कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं, जिससे अगर आपका सिस्टम क्रैश हो जाता है, विंडोज़ मतलब कुछ भी, अगर आपका सिस्टम बाय डिफ़ॉल्ट कुछ भी ख़राब हो जाता है, करप्ट कर जाता है, तो आप उसको रिकवर कर सकते हैं, आपका कुछ भी डेटा लॉस नहीं होगा। लेकिन ये चीज़ वही लोग यूज़ कर सकते हैं जिनके पास फ्री इंटरनेट ज़्यादा अमाउंट में है, अनलिमिटेड है, या ब्रॉडबैंड कनेक्शन है। हम लोग के लिए नहीं है, जिसके 2 GB 1.5 GB वाले के लिए नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा नेट खर्च हो जाता है। अगर आप उसमें नेट लगाएंगे तो फिर आप मेरे वीडियो को नहीं देख पाएंगे। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ये है आपका 8 नंबर टिप्स, शट डाउन। आज मैं बेसिकली कंप्यूटर के बारे में बता रहा हूँ, तो ये शट डाउन भी बड़ा टिप्स है, क्योंकि शट डाउन अगर नहीं करते हैं तो आप जानते हैं कि हैकर लोग हमेशा सिस्टम पे लगे रहते हैं, और सिस्टम वही हैक होता है जो इंटरनेट से कनेक्टेड रहता है और ऑनलाइन रहता है। अगर आपका सिस्टम ऑन है तो हमेशा आपके इंटरनेट से कनेक्ट रहेगा, और उसमें ज़्यादा चांस होता है कि हैकर अटैम्प्ट करते करते आपके सिस्टम को मतलब सिस्टम पे वो अपना कब्जा कर ले, यानी कि उसमें पासवर्ड उसको मतलब कि कुछ भी आपके सिस्टम पे वो पहुंच जाए, ग्रांट परमिशन हो जाए आपके सिस्टम का। तो इस चीज़ से बचने के लिए हमेशा आप अपने सिस्टम को शट डाउन कीजिए। और मेरा एक नेक्स्ट टिप्स है वर्चुअलाइजेशन। ये थोड़ा हाई लेवल का हो जाता है, उसका रीज़न मैं बताता हूँ कि वर्चुअलाइजेशन एक ऐसा मेथड होता है जिसमें आप अपने आप को बचा सकते हैं। अगर आप मान लीजिए आप हैकिंग लाइन से हैं, इथिकल हैकिंग से हैं, गलत मैं नहीं बोल रहा हूँ, वाइट हैट हैकर हैं, अगर कुछ आप अच्छा काम कर रहे हैं, अगर किसी कंपनी को बचाने के लिए आप अच्छे काम कर रहे हैं, आप हैकर्स को पकड़ने का काम कर रहे हैं, तो वर्चुअलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाता है। इसमें होता है क्या कि अगर आप मान लीजिए कहीं से आप इंडिया से हैं और आप कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जो सामने वाले से आपको बचना है, कि वो सामने वाला बंदा अगर गलत कर रहा है, आप उसको अगर पकड़ने जा रहे हैं, तो आप अपना प्रोटेक्शन के लिए वर्चुअलाइजेशन यूज़ कर सकते हैं, जिसके हेल्प से वो आपको परफेक्टली मतलब के सही चीज़ आपका नहीं जान सकता है, जो आपका ओरिजिनल है वो नहीं जान सकता है, और आप इस तरीके से आप अपने आप को हाइड कर सकते हैं, एनोनिमस रह सकते हैं। अब लास्ट चीज़ आता है, सबसे ये चीज़ जो है लास्ट चीज़ मैं इसलिए बोल रहा हूँ, ये 10 नंबर है, और ये सिक्योर योर इंटरनेट, सिक्योर योर नेटवर्क। हमेशा मैं बताता हूँ कि कभी भी आप अपना पब्लिक वाईफाई से कनेक्ट होकर कुछ भी ब्राउजिंग ना करें, या फेसबुक या कुछ भी ब्राउज ना करें। इससे क्या होता है कि आजकल बहुत सारे पब्लिक नेटवर्क में हैकर लोग लगे रहते हैं, अगर आप कुछ भी लॉगिन करते हैं कुछ भी, तुरंत उनके पास पासवर्ड चला जाएगा। इसीलिए हमेशा सिक्योर नेटवर्क का यूज़ करें, अपना पर्सनल हॉटस्पॉट वाईफाई का यूज़ करें, पब्लिक वाईफाई पे कुछ भी ऐसा चीज़ नहीं डाउनलोड या अपलोड करें जो आपके लिए नुकसानदेह हो। इसीलिए आपको हमेशा इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको आप लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाले टाइम में मैं और भी हैकिंग टिप्स और टेक्नोलॉजी के बारे में इंफॉर्मेशन आप तक पहुँचा सकूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।